किया है यहाँ? यहाँ पे पानी अभी तो रोड पे ही है, अच्छा मगर यहाँ का रोड बिल्कुल बंद हो जाता है, अच्छा क्योंकि ये पूरा गांव तक के बहुत गांव पड़ते हैं, 200 गांव, इधर सब परेशानी है इससे, आने जाने में दिक्कत, आने जाने में बहुत दिक्कत है। ऐसे में घर का राशन है, बच्चों के वो स्कूल तो है, सभी परेशानी है फिर, चारा लाना है पशुओं का, वो तो फिर जब ये रास्ते ही बंद है तो फिर तो परेशानी तो है ही है ये सब। कितना पानी होगा? यहाँ पे ये है, नेकर भीग रहा है पानी में, गांव के लोग फिर गांव में रहते हैं? गांव के लोग पानी में निकल के जा रहे हैं सब, डूटी वाले किसान, तो कुछ नहीं पता पानी कब तक बढ़े, कब तक उतरे? ये तो अब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अभी उतरने का तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये पूरे 3 महीने ऐसे ही रहना है। दिक्कतें समस्या बहुत है, दिक्कतें समस्या तो बहुत ही हैं यहाँ पे, निकलने कोई रास्ता नहीं है, तबीयत खराब हो जाती है तो कोई डॉक्टर नहीं आ पाता है, डॉक्टर नहीं मिलता है पानी की वजह से। पानी की वजह से और क्या? कितना पानी होगा? अरे पानी तो इतना था, गले गले आ जाता है। तो ऐसे में पानी में निकलना पड़ता है फिर तो? वो पानी में ही है सब, खेती बाड़ी सब, खेती मर जाती है, मतलब अनाज पैदा होना बंद हो जाता है। यहाँ पे मुख्यतः जो हमारी दो नदियाँ हैं, रामगंगा और कोसी, उसमें जब वाटर लेवल बढ़ता है तो फ्लड लाइक सिचुएशन बनता है। आबादी में बहुत ज़्यादा अभी पानी घुसने की कोई शिकायत नहीं है, खेतों में पानी है, कुछ जगहों पे सड़कों पे पानी आ गया है। हमारी टीमें लगातार एक्टिव हैं, हम लोगों ने अपने तहसील स्तर पर टीमें बना रखी हैं, बाढ़ चौकियाँ हमारी एक्टिव हैं, जहाँ पर पुलिस और राजस्व और सिंचाई सभी की संयुक्त टीमें वहाँ पर कार्यरत है और लगातार मौके पे नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ पे ऐसा हमें लग रहा है कि गांव के लोगों को अगर सड़क पे पानी है तो बाहर निकलने में दिक्कत होगी, तो वहाँ पे मेडिकल की टीमें भी वहाँ पे स्टेशन की जा रही हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। दवाइयों की किट भी हम बांट रहे हैं कि कोई वाटर बॉर्न डिजीजेज ना हो। जहाँ तक फसल का सवाल है, अभी हम लोग का जो आंकलन है वो ये है कि मुख्यतः जहाँ जहाँ पे गन्ना लगा हुआ है वो वाटर लॉग्ड है। गन्ना को वाटर लॉगिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान वैसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं कि अगर कोई क्रॉप डैमेज होगा तो उसका तत्काल असेसमेंट करके, जैसा कि शासन के निर्देश हैं, हम लोग उसको अपलोड कराएंगे और किसानों को हम उसमें राहत दिलाएंगे। सर, रोड्स में भी देखा है कि बहुत सारा स्थिति खराब हो गया, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बारिश जी 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 चीज भी है और बहुत सारी स्थिति खराब हो गई है, उसमें लोगों को भी इनकन्वीनियंस हो रही है, तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दिए? देखिए, हाँ, इसमें एक हमारी मुख्य मार्ग है, उस पर थोड़े से उसमें स्थिति थोड़ी सी ज्यादा उसमें खराब है, तो उसमें लगातार उस पर काम चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी तो मोस्टली उसको मोटरेबल बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। अभी बारिश रुकी है, अब हम लोग उस पर काम तेजी से आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें काम जल्दी से जल्दी हो जाए, लोगों को आगे दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ कुछ ग्रामीण की भी, एक हमारा गांव है वहां पे रोड पे पानी आ गया था, उससे 4-व्हीलर के आने जाने में दिक्कत हो रही थी, तो उसको भी अभी बारिश कम हुई तो हम लोग उसको रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं।